राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए अब पुलिस को धमकी दी है। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पुणे पुलिस कमिश्नर को एक पत्र भेजा है। इसमें कहा है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाकर उन्हें सड़क पर रखे, मौलानाओं से सहमति पत्र ले, वरना मनसे थाने के सामने हनुमान चालीसा बजाकर अपना विरोध दर्ज करेगी। पुणे मनसे की ओर से जारी एक पत्र में कहा गया है, लाउडस्पीकर एक सामाजिक मुद्दा है और हम धार्मिक दरार पैदा नहीं करना चाहते। हम अपने फैसले पर अड़ी गए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस पत्र के माध्यम से मांग करती है कि पूरे पुणे शहर में लगभग 400 से 450 मस्जिदें, लगभग सभी मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगे हैं जो अनाधिकृत है। लाउडस्पीकरों को हटा दिया जाना चाहिए या उन्हें स्थायी रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि आसपास रहने वाले नागरिकों को इससे निकलने वाली तेज आवाज़ से परेशानी न हो। मनसे ने आगे कहा, हम अजान के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि लाउडस्पीकर से ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इन सभी मस्जिदों के मौलवी से बात करके पुलिस को एक लिखित रिपोर्ट हमें देनी चाहिए। पुलिस को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे कानून व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट से यह संदेश जाना चाहिए कि मस्जिदों से लाउडस्पीकरों पर अजान नहीं बजाई जाएगी। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर।